अरे प्यारे, सुन ही नहीं सकता, औलाद जो ठहरी। कमारी, ओ कमारी, मालूम है मुझको यही होना है यहाँ। आज तो दफ्तर की देर हो ही गई। अरे रसोई, ओ रसोई, क्या है? अभी आते हैं। अरे दफ्तर की देर हो रही है, कब वक्त? हमको नहीं जाना है दफ्तर। अरे तो मुझे तो जाना है। तो जाते क्यों नहीं हो? ऐसे ही चला जाऊं बनियान में। अच्छा, इसको उतार के जाओगे? अरे मेरी शर्ट नहीं मिल रही यार। कौन सी शर्ट? ये लो, अब कोई हजार शर्ट है मेरे पास, एक ही तो शर्ट है मेरी, वो लाल वाली। अच्छा, वो बैजू बावरा के जमाने वाली शर्ट। हाँ, तूने देखी उसको? हाँ देखी ना। कहाँ है? फेंक दी मैंने। फेंक दी? हाँ। तूने मेरी शर्ट फेंक दी? मालिक, क्योंकि बर्तन वाले से भिखारी तक सबने उसको लेने से मना कर दिया था। हैं? हाँ। लेकिन तुझे उस शर्ट को फेंकने की जरूरत क्या थी? मालिक ऐसा बोलो, बहुत सारे छेद फेंक दिए। क्या मतलब? 52,000 छेद थे उसमें। तो मतलब डिजाइन थी ना यार, शर्ट के बीच बीच में छेद। आपको उल्टा कहना चाहिए। क्या? छेद के बीच बीच में शर्ट है। शर्ट थी, उठती नहीं थी। जब भी मैं उठाता ना, छेद उठ के हाथ में आ जाता था। अरे वो शर्ट पिछले 25 साल से मेरी हमसा पर थी। हाँ, मालकिन को तो इतना कभी याद नहीं किया आपने। अरे मेरी शर्ट। मालिक, अरे सुनो, अब नीचे को बैठ गए, यहाँ बैठो कुर्सी पे। नहीं नहीं, बैठने से कुर्सी खराब हो जाती है। तो कुर्सी तो उठी बैठने के लिए, तो जरूरी थोड़ी हर वक्त उस पर ही बैठा जाए। तो फिर खरीदे क्यों ये? किसने खरीदी ये कुर्सी, ये टेबल, ये सब तो क्या है कि नदी में बाढ़ में बहकर आए रहे थे, मैंने पकड़ लिए। मालिक एक बात बताऊं? हाँ? बुढ़ापे में इतनी कंजूसी ठीक नहीं है। हाँ, चढ़ा ले कुर्सी से। हमारा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है और हमें के फिजूल खर्च किए जा रहे हैं। जा देख बाहर कौन आया है। देखता हूँ। अरे इतनी देर में जाएगा क्या? 25 घंटे बजा दी उसने। क्या है ये चिट्ठी? 2 बार घंटी क्यों बजाई? मैं पूछ रहा हूँ, 2 बार घंटी क्यों बजाई? घंटी? बिजली का बिल तू देगा? हा? बिजली का बिल कितना आता है मालूम है? हर बार मेरे बिजली का बिल बढ़ा हुआ आता है सिर्फ तेरी वजह से। अरे गलती हो गई, अपनी बजाऊंगा घंटी। तो क्या करेगा? दरवाजा खटखटा दूंगा। और खरोच आ गई तो? दरवाजे में खरोच आ गई तो ठीक तू कराएगा? तो क्या करूं? बाहर खड़ा होकर इंतजार करा कर, कोई बाहर आएगा तो चिट्ठी ले लेगा। और कोई नहीं आया तो खड़ा रहे 2-3 दिन, क्या हो गया उसमें? और अब मुहूर्त निकलवाऊं क्या मैं? किसका? चिट्ठी देने का। अच्छा ये लो। ये क्या, इतनी बड़ी चिट्ठी? छोटी चिट्ठी नहीं ला सकता? कागज फ्री का आता है क्या? मैं थोड़ी लाया हूँ। तो कौन लाया चिट्ठी? नहीं मतलब लाया तो मैं ही हूँ। तो इतनी बड़ी क्यों लाया? अरे अरे मालिक, इसने थोड़ी ना लिखी चिट्ठी है, इसका काम चिट्ठी देना है। हाँ। तो इसने दे दी ना मेरे को चिट्ठी। हाँ। अब जा क्यों नहीं रहा है? अरे 5 रुपए लगेंगे। 5 रुपए? किस बात के 5 रुपए? चिट्ठी के। क्यों? बैरंग है ना। मतलब चिट्ठी, बैरंग चिट्ठी के 5 रुपए लगते हैं। हैं? हाँ। ये ले, नहीं दी चिट्ठी। अरे लेकिन ये आपकी है। तो मैं 5 रुपए क्यों दूं? अरे ऐसा नियम है। किसने बनाया बेटा नियम? सरकार ने। तो पैसे भी सरकार से ले जा। अरे क्यों गरीब की पेट में लात मार रहे हो? अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मेरी जेब में से लगेंगे फिर। मालिक बेचारा गरीब है, दे दो ना 5 रुपए। ठीक है अभी आता हूँ। क्या आदमी है यार। अरे तू शुक्र मना कि तेरे को 5 रुपए मिल रहे हैं, हमको तो कुछ नहीं मिलता, तनख्वाह भी नहीं मिलती है। अंदर आ हवा खा ले। हाँ। पंखा चलाओ। क्या चलाओ? पंखा। ऐसे हाथ कर, घूम जोर से घूम, रुक जा, आई हवा। क्या है ये? ऐसे ही खाते हमारे घर में हवा। क्या घर है यार। लाओ। तू ला। क्या? 3 रुपए 33 पैसे। क्यों? मैं मांगता हूँ तुझसे। मेरे से? हाँ। कैसे? देखो गणित आती है क्या? हाँ आती है। आती है? अरे वाह, देख हमारा ये जो घर है ना, हाँ। इसका किराया 6,000 रुपया महीना है। कितना है? 6,000 रुपया महीना। ये बता 15 दिन का किराया कितना हुआ? 3,000। 3,000 है ना 15 दिन का, तो 10 दिन का कितना हुआ? 2,000 रुपए। वेरी गुड, 10 दिन का किराया 2,000, तो 1 दिन का कितना हुआ? 200 रुपए। हाँ आती तो है गणित इसको, 200 रुपए 1 दिन का किराया हुआ, यानी 24 घंटे का किराया 200 हो गया। अभी बता 1 घंटे का किराया कितना हुआ? 1 घंटे का बता बता। 1 मिनट। हाँ लगा हिसाब लगा। 8 रुपए 33 पैसे। तो ला 3 रुपए 33 पैसे। क्यों भाई? तू 1 घंटे से हमारे घर में खड़ा है ना। हाँ। और 1 घंटे का किराया है 8 रुपए 33 पैसे, तो 5 रुपए चिट्ठी के काट ले, 3 रुपए 33 पैसे दे दे। आपको एक बात बताऊं? हाँ। कीड़े पड़ेंगे तुझे। तेरी तो चिट्ठी के 5 रुपए होते हैं। मालिक आप महान हो, आप धन्य हो मालिक। अरे कंजूस है ये, बस
के झूठे। अबे तेरी तो मैं बताऊं तेरे को, इधर आ तू। एक मिनट। क्या हो गया? हवा खा के जाऊंगी। ए फेंक दे। ए भाई, तेरा कुर्ता उठा। मेरा कुर्ता? हाँ। मालिक, आप दूसरा दिलाओगे क्या नया? दूसरा नहीं बेटा, तूने मेरी शर्ट फेंकी थी ना? हाँ फेंकी थी। जब तक मेरी वो वाली शर्ट चलती तब तक मैं तेरा एक कुर्ता पहनूंगा, समझ गया? आपकी वो शर्ट कब तक चलती? जो जीवन भर है। ये देख क्या फिट आया मुझे। छोटा आया आपके? कोई बात नहीं, फैशन है शॉर्ट्स का आजकल। ठीक है, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, पैदल ही जाऊंगा आज। पेट में गुड़गुड़ हो रही है। तो इतना खाते क्यों हो आप है? तो पेट में गुड़गुड़ हो जाए। मुझे देखो, दो रोटी सुबह खाता हूँ और दो रोटी शाम को खाता हूँ। तू खाता तो है, मैं तो खाली सुबह ही खाता हूँ, शाम को तो खाली दो रोटी देख लेता हूँ। तो मेरी गुड़गुड़ कैसे हो गई? कल तीन रोटी देख ली यार। ठीक है, अब दफ्तर जा रहा हूँ। अरे मालिक, किसी दिन आप मेरे लपेटे में आ गए ना। क्या कह रहा है? नहीं नहीं, मैं कह रहा था आलू लिया ना, खत्म हो गए घर में। आलू लिया? हाँ। अभी लाया तो था दिवाली पे। हेलो 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 हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ भाई साहब, आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही, जोर से बोलो। हेलो भाई साहब। हाँ आवाज आ रही है। हाँ जी, हम सपेरा बोल रहे हैं। माइक खोलो माइक। हेलो भाई साहब। हाँ आप बताओ क्या कह रहे हो आप? हाँ जी, हम सपेरा बोल रहे हैं साहब। हाँ तो आप लेट हो गए। क्यों? सांप तो ओपी चला गया अभी। क्या मतलब? अरे हमारे साहब है ना, ओपी चले गए यार। अच्छा। आप कौन बोल रहे हो भाई साहब? मैं रसोई बोल रहा हूँ। रसोई? हाँ। बेडरूम से बात करो। अबे नाम है मेरा रसोई। अच्छा नाम है क्या आपका? हाँ, रसोई। हाँ, तू अच्छा। क्या चाहता है ये बता। भाई साहब हम चाहते हैं 15,000 रुपए। 15,000 रुपए? हाँ। क्यों, क्या हो गया? अरे आपके छोटे साहब है ना। हाँ। उन्होंने अपनी मेम साहब को एक बार सांप और नेवले की लड़ाई दिखाई थी। हाँ तो? तो वो सांप और नेवले मेरे थे। हाँ तो? तो उसका किराया 15,000 रुपए हो गया। हाँ तो? तो वो मुझे अभी तक नहीं मिला। हाँ तो? अरे तो क्या? हाँ तो, हाँ तो कब मिलेगा मुझे? रॉन्ग नंबर है। इस घर में हम तीन चीज से बहुत परेशान है, बड़े साहब की तो कंजूसी, छोटे साहब का कर्जा, और जो मेम साहब है ना उनका चीखना। देखा क्या है? आया कब? आपके पिताजी कब आए? रसोई? अच्छा ससुर जी गए? गए गए, थैंक गॉड। जा चाय लेकर आ। मालकिन एक बात बताओ। हाँ? आपने सांप और नेवले की लड़ाई देखी थी क्या? हाँ देखी थी ना, पर तुझे कैसे पता? सपेरे का फोन आया था अभी। हाँ पैसे मांगता होगा। कैसे नकटे लोग हैं। क्या मतलब? मतलब रोज फोन करते थे, कैसे नकटे लोग हैं ना। हाँ रसोई ठीक कहता है, जा चाय लेकर आ। मालकिन एक बात बताओगी? हाँ? आपके कमरे में आईना नहीं है क्या? हाँ है ना, इतना बड़ा है। तो फिर आप छोटे मालिक से लड़ाई नहीं करती हो? रोज लड़ती हूँ मैं तो। तो लड़ते लड़ते कभी आईना नहीं देखती हो क्या? अरे देखती हूँ ना, बल्कि मैं तो बाल बनाते वक्त ही है ना आईना देखती हूँ, और लड़ती भी उसी वक्त ही हूँ। अब क्यों हंस रहा है? फिर आपको अलग से सांप और नेवले की लड़ाई देने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब? आप सोचो मैं चाय लेकर। सांप और नेवले की लड़ाई और आईना। रसोई रसोई। हेलो माता जी, नमस्ते। माता जी रॉन्ग नंबर आया माता जी। हेलो आंटी जी, वो मैं कह रहा था कि तुम्हारी माता जी। हेलो। हाय बेबी। हाँ कहिए। एक बार बताइए ये माता जी आंटी जी कैसे हो सकती हैं? वो छोड़िए ना, बात करिए ना। हाँ मैं तो पूछ रहा था आपको गुलाब जामुन पसंद है? अरे बेहद पसंद है। अरे वाह, फिर तो आपको केक भी पसंद होगा। बहुत पसंद है। अच्छा आपको पता है कि साल भर पहले आपने ये चीजें बड़े चाव से खाई थी? अजी कहाँ खाई थी, पेट तो भर गया था पर मन नहीं भरा था। अजी आपको पता है कि 25 किलो जो गुलाब जामुन थे वो कितने के आए थे? कितने के आए थे आपको नहीं पता? नहीं। अजी 3,000 रुपए के थे। अच्छा। अजी आपको तो ये भी पता नहीं होगा केक कितने का था। कितने का था? अरे 2,000 रुपए का था। तो अरे दोनों मिलकर कितने हो गए? कितने हो गए?
अरे टोल खाने से मतलब है क्या, हिसाब भी रखा कर यार, 5,000 हो गए। तो मेरे को क्यों बता रहे हो? अरे मेरी माँ, अब तो चुका दे पैसा। माँ, रॉन्ग नंबर। हेलो 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 हेलो। अरे दरवाजे की घंटी बज रही है, फोन तो काट दिया मैंने। प्यारी है जी, ये प्यारे का घर है ना? जी नहीं, ये प्यारे का घर नहीं है। मगर मुझे पता तो यही बताया था। किसने? प्यारे ने। क्या प्यारे यहाँ नहीं रहता? यही रहते हैं। नहीं, अभी आप कह रही थी ना ये प्यारे का घर नहीं है। हाँ, ये प्यारे का घर नहीं है। कसम राजनीति की, आप मजाक बड़ा अच्छा कर लेती है। क्या मतलब? अभी आप कह रही थी ना ये प्यारे का घर नहीं है। हाँ, और प्यारे यहीं रहता है? हाँ। अच्छा, प्यारे यहाँ पर किराएदार है? नहीं। तो क्या जबरदस्ती रह रहा है? क्या बकते हो? ओहो देवी जी, वो गुच्छा हो जाएगा, प्लीज सुलझाइए। एक मिनट, कि मेरा घर है। अच्छा, ये आपका घर है? आप कौन है? पहले आप बताइए आप कौन है। जी मैं तो कुंवारा हूँ। माफ कीजिए, मैं शादीशुदा हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब मेरा नाम कुंवारा है। हो, मैंने समझा वैसे कुंवारा। जी मैं ऐसा वैसा दोनों तरफ से ही कुंवारा हूँ। आप कौन है? मैं प्यारी हूँ। जी मैंने विशेषण नहीं, मैंने संज्ञा पूछा था। क्या मतलब? कसम राजनीति की, प्यारी तो आप हैं ही, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भी प्यारी है। अच्छा, आपका नाम भी प्यारी है? आप प्यारे की बहन है? क्या बकते हो? मैं प्यारे की बहन की भाभी हूँ। प्यारे की बहन की भाभी? अच्छा अच्छा, आप प्यारे की भाभी हैं? क्या बकवास है, मैं प्यारे की पत्नी हूँ। आप प्यारे की पत्नी है? हाँ। और प्यारे आपका क्या है? पति। प्यारे आपका पति है? हाँ। आप प्यारे की पत्नी है? हाँ। आप दोनों आपस में क्या लगते हैं? जीजा साली। ये रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं ना, आदमी होता क्या है लगता क्या है। आप बकवास कर रहे, क्या आदी लगती हूँ? हाँ जी हाँ, राजनीति में जा रहा हूँ ना, मैं नेता बनने वाला हूँ। आप आए किस काम से थे? प्यारे से मिलने। कहा ना घर पर नहीं है। संभत, मुझे बुलाकर खुद ही गायब हो गया। खैर, आप मुझे आशीर्वाद दी। वो क्यों? क्योंकि आप मेरी भाभी हैं। कैसे? अरे मैं आपका देवर हूँ। वो हो, पर कैसे? देखिए, आप प्यारे की पत्नी है ना। हाँ। और मैं प्यारे के बुढ़ापे का दोस्त। बुढ़ापे का दोस्त मतलब मैं उसके बुढ़ापे में काम आऊंगा। ओह अच्छा अच्छा। हाँ, चलिए अब जल्दी से मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे पर देना क्या है? यही कि मैं राजनीति के क्षेत्र का सशक्त हस्ताक्षर बनूं। तथास्तु, आप चोर गुंडे और डाकुओं का संयुक्त मोर्चा बने। थैंक यू। चलिए इसी बात पर एक एक कप चाय हो जाए। नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? पहले पूछो तो सही मैं कौन हूँ, डायरेक्ट ही बातचीत शुरू कर दी। हाँ भाई साहब, कौन हो तुम? हम रसोई हैं। रसोई? रसोई। अच्छा, रसोई से सब समझ में आ गया। अरे पूछो, मैं कौन हूँ, कब से रह रहा हूँ, क्या पद है मेरा? तुम ही बता दो भाई साहब, कौन हो तुम, क्या पद है तुम्हारा? हम रसोई हैं, इस घर के नौकर। नौकर? और एक कप चाय नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? हमारे घर में एक कप है नहीं, सारे कप आधे आधे हैं। क्यों? मालिक की बदौलत। अरे क्या मतलब? अरे हमारे घर में सब दिन में एक बार ही चाय मिलती है। हाँ, वो भी एक कप। एक कप? और अगर कोई एक बार से ज्यादा पी ले तो? फिर 3 दिन तक हमारे घर में चाय नहीं बनती। मतलब मुझे चाय नहीं मिलेगी? देखो मेहमान हूँ, इतना घूंट पिला सकता हूँ। इतना घूंट? हाँ इतना ले आओ। इतना भी नहीं छोड़ेगा है? क्या? नहीं, बड़े मालिक से छुपके पीना, उन्होंने तुमको इस वक्त चाय पीते देख लिया ना, तो इतने सवाल करेंगे, इतने सवाल करेंगे, इतने सवाल करेंगे। कितने बता रहा? नहीं इतने। चाय ले आओ तुम। हाँ ला रहा हूँ, छुप के पीना। अच्छा बैठी, मैं आती हूँ। जी मैंने कहा बैठिए। जी मैं यूं घूम के बैठ रहा था। पर घूम के बैठ ही जाना। जी वो अरे इधर उधर मत देख, तू ही उठा ले। हेलो 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 हेलो। हाँ जी हेलो हेलो। हाँ भाई साहब हेलो हेलो। अरे क्या हेलो? हेलो। अरे क्या हेलो? हेलो। हेलो हेलो। अरे भाई साहब क्या है लो? हेलो, मैं कौन बोल रहा हूँ? हैं? मैंने पूछा कि मैं कौन बोल रहा हूँ?
मुझे क्या पता आप कौन बोल रहे हो? आपको नहीं पता? नहीं तो फिर आप मेरे से बात क्यों कर रहे हो? हैं? भाई आपको थोड़ी पता है मैं कौन हूँ, क्यों बात कर रहे हो? अरे तो भाई साहब फोन तो आपने किया है ना, तो उठाया क्यों आपने? मैंने कब उठाया? उठा तो रखा है आपने, उठाया है? अरे मतलब मैं कहाँ बात कर रहा हूँ यार, आप ही कर रहे हो फोन पे, तो आप ही हो और कौन है? अरे तो फोन तो आपने किया ना भाई साहब, उठाया तो मैंने किया है, तो तूने क्यों उठाया? तेरे को थोड़ी पता है किसका फोन है? अरे यार भाई साहब एक बात बताओ, फोन की घंटी बजेगी आदमी फोन नहीं उठाएगा क्या? नहीं वो तो उठा लेगा, पर आपको थोड़ी पता है किसका है? भाई साहब मुझे क्या पता, रॉन्ग नंबर है यार। तब तो पता चल गया ना आपको। हाँ भाई साहब। तो रखता क्यों नहीं है फोन? क्या फोन रख। हेलो तू चुप, अजीब किस्म का आदमी है। वैसे आजकल ऐसी किस्में बड़ी फल फूल रही है। खबरदार हिलना मत। अबे चोरी करने आया है, नेता के दोस्त के घर में चोरी। सात घर तो डायन भी छोड़ देती है, तू क्या सोचता है हम कुछ कर नहीं सकते? अबे हमारे पास चाकू है, छुरी है, बंदूक है, पिस्तौल है, और अब तो हमारे पास परमाणु बम भी है। शर्म कर यार, चद्दर ओढ़ के चोरी करता है। हमें देख, देश के होने वाले नेता है, आज तक कभी चद्दर ही नहीं ओढ़ी। हम हर आदमी के मुंह से चद्दर ही हटा देते हैं। हटा इस चद्दर को। अरे ये शक्ल तो कुछ जानी पहचानी लगती है। हाँ हाँ यमराज हूं मैं, तेरे को लेने आया हूं, चल जल्दी से मर जा। यार ये आवाज भी कुछ जानी पहचानी है। हाँ हाँ हनी सिंह हूं मैं ना। अबे प्यारे तू। अरे कमारे मैं। अरे यार ये क्या हाल बना रखा है, चद्दर क्यों ओढ़ ली? अरे यार हम ऐसे ही जाते हैं घर से बाहर यार। क्यों? हम किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। क्यों भाई, क्या तुम दयावान हो? नहीं यार। तुम ईमानदार हो? हाँ। तुम सिगरेट पीते हो? अरे नहीं यार। सिगरेट तो पीते हो? हाँ पीता हूँ। शराब पीते हो? हाँ पीता हूँ। चोरी करते हो? हाँ पीता हूँ। डकैती करते हो? अरे करता हूँ। तो यार मुंह छुपाने की कौन सी बात है, नेता वाले सारे गुण तो है तेरे में। अरे यार मैंने बहुत सारा कर्जा ले रखा है। सारे देश ने कर्जा ले रखा है। अबे मैं चुका नहीं सकता। देश कौन सा चुका रहा है? क्या मतलब? अरे मतलब इस देश में रहना है ना तो नकटे बन जाओ, चिकने घड़े बन जाओ, दुनिया कुछ भी कहती रहे तुम बस बोनी बाबू बन जाओ। अरे यार लेनदार रोज आते हैं, आने दे, धमकियां देते हैं, देने दे। अरे क्या देने दे, अरे देश में माहौल है धमकियों का यार। बस तुम अपने सब्र का बांध टूटने मत दो, मौनी बाबा बने रहो और विदेश की यात्राएं करते रहो। अरे यार मैं परेशान हो गया इस जीवन से यार। क्यों यार? अरे गली गली में लेनदार है यार, यू देखते यू भूखे भेड़ियों की तरह। अरे सुबह उठा ली की मुझे लेनदार की सूरत नजर आती है, और सुन अब तो वो प्यारी है ना प्यारी, वो भी मुझे लेनदार नजर आती है यार। मेरी हालत तो हॉरर शो की तरह हो गई है यार, हर धमकी से डरता हूँ, हर आवाज पे कांप उठता हूँ। अरे अरे फोन की घंटी बज रही है। उठा यार। मैं उठा। हेलो हेलो। हाँ भाई साहब हेलो। हेलो। अरे क्या हेलो यार। हेलो सुनो। हाँ? अब तो आपको पता चल गया होगा क्या कि मैं कौन बोल रहा हूँ? हाँ भाई साहब अब पता चल गया। क्या पता चल गया आपको? अरे मुझे कैसे पता चलेगा यार, मैं कोई ज्योतिषी हूँ क्या? यार तो बार बार आप मेरे से बात क्यों करने लग जाते हो? अरे यार भाई साहब आप एक बात बताओ। क्या? अगर किसी घर में फोन की घंटी बजेगी आदमी फोन नहीं उठाएगा क्या? क्यों आपके घर में आदमी आदमी रहते हैं क्या, औरतें नहीं रहती क्या? क्या मतलब? औरत भी तो उठा सकती है फोन, आप ही क्यों उठा लेते हो? औरत से कह दो वही उठा लेगी। अरे तो तू फोन कर ही क्यों रहा है यार? मैं क्यों कर रहा हूँ? हाँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फोन है। तो फोन है तो तू फोन ही करेगा? तो फोन से तो फोन ही करेगा आदमी, टीवी थोड़ी करेगा। अरे क्या बकवास करे जा रहा है यार, अब दोबारा फोन मत करना। अच्छा सुनो यार आप तो जल्द आ गए हो, आप तो ये बताओ आपको गणित आती है क्या? हाँ आती है ना। क्यों आती है? हाँ तो ये बताओ 500 और 700 कितने होते हैं? 500 और 700 1200 होते हैं। कब दोगे? क्या कब दोगे? 1200 रुपए। मैं क्यों दूंगा? क्यों मैं मांगता हूँ आपसे। अरे मुझसे मांगते हो? हाँ मैं आपसे मांगता हूँ 1200 रुपए। अरे भाई साहब आपको गलत फहमी हो गई, मैं ना मैं कमा रहा हूँ। तो कर्जे का शादी से क्या संबंध है? सुरे बोल कौन रहे है तू? ये तो आप बताओ मैं कौन बोल रहा हूँ। मैं बताऊँ? हाँ। तू गधा बोल रहा है? गधा नहीं नहीं गलत बता रहे हो आप, मैं गधा नहीं हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आपको है? मैं गधे वाला हूँ भाई साहब। मतलब? अरे दो भी हूँ यार नंदे, आपके कपड़े धोता हूँ ना, आपको समझ में नहीं आती क्या यार आपके 1200 रुपए हो चुके हैं। हाँ हेलो। चुप तो तू ही रहेगा।
मर्जी कर ले, तोड़ ले फोन, लेकिन तेरे को ही रहना पड़ेगा चुप चुप। बकवास फोन है यार, और कौन है आदमी सर बनना गया मेरा है। अरे मेरे साथ ऐसा रोज होता है, दिन में 36 बार। अब तू ही कोई आइडिया बता यार इनसे बचने का। हाँ यार, इनका कर्जा चुका दे। हाँ, और तेरी आरती उतारू। क्यों? अरे यार जेब में फूटी कौड़ी नहीं, इनका कर्जा कैसे चुकाऊंगा यार। प्यारे एक बात बता। हाँ? ये कर्जा है कितने का? पता ही नहीं यार। क्यों? 44 लाख के बाद मैंने गिनना ही छोड़ दिया। भाग जा बेटा, ये मोहल्ला छोड़ के भाग जा। अरे नहीं भाग सकता यार। क्यों यार? 63 मोहल्ला छोड़कर यहाँ आया हूँ, ये 64वां मोहल्ला है, अब कोई मोहल्ला ही नहीं बचा। अरे यार फिर तो कुछ सोचना पड़ेगा। अरे सोच यार, तू तो नेता बनने वाला है। ओए प्यारे एक काम कर। हाँ? तू तेरे पिताजी से पैसे मांगे, उनसे बोल कि बेटे का कर्जा चुकाना बाप का फर्ज है। हाँ, मेरे बाप को है ना कंजूसी का मर्ज है। अरे 8 आने देते हैं वो मेरे को 1 जनवरी को। 1 जनवरी को 8 आने? हाँ, कहते हैं साल भर का खर्चा है बेटा रख ले। साल भर का खर्चा 8 आने? हाँ, और ये भी कहते हैं बच जाए ना तो वापस दे देना। मोटा कोइंसिडेंस यार। क्या मतलब? अबे क्या संयोग है। अबे ये तो हिंदी में हुआ। अरे वही तो। क्या वही तो? तेरे बाप जैसा प्राणी इस दुनिया में एक और है। अबे हो ही नहीं सकता। अबे है यार, अबे है है है। अरे है यार मेरा ससुर। तेरा ससुर? हाँ भाई, मेरा होने वाला ससुर। हा? वो भी ऐसा ही है यार, कंजूसी का मेगा सीरियल। हा? वो रिफिल में घी डालता है, रोटी पे साइन कर देता है, और चप्पल ऐसे हाथ में उठाता है, पैदल चले जाता है। हा? चप्पल नहीं घिसती इससे, और ब्रश करते टाइम वो ब्रश नहीं लाता, दांत लाता है। तेरा बाप तो तेरा शोषण करता है यार, मेरा ससुर वो मेरी जान का शोषण करता है। अरे तभी तो कह रहा हूँ यार, कोई आइडिया सोच, आइडिया ऐसा आइडिया बता जो कभी फेल ना हो, नेता वाला आइडिया। नेता वाला आइडिया? हाँ। तू तेरे बाप को मार दे, मैं मेरे ससुर को मार देता हूँ। ये क्या बोल रहा है? तू ही कह रहा है ना नेता वाला आइडिया बता। अबे डंके नेता वाला आइडिया बता थोड़ा। नेता और डंका दे दे मेरा, दे दे तू 20 रुपया, 20 रुपीज माई 20 रुपी, दे दे मेरा दे दे। बस साले रसोई, तेरे को कितनी बार कहा है यार ऐसे घर में मत गाया कर जिसमें कर्जे का जिक्र हो, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा यार। और ये क्या लाया? ये चाय है। चाय लाया है? ये लो अच्छी तरह पकड़ना। रसोई क्या हो गया? स्वाद अच्छा है, आधी कप ले आना। क्या ले आना? चाय ले आना। ये तो ली चाय। ये चाय थी तो क्या था? अरे मैं समझा चखाने के लिए लाए हो। इतने में तो हमारे मालिक है ना पूरी बरार निपटा देते हैं। क्यों मालिक? अबे ओए रसोई, यार एक गंभीर मामले में डिस्कशन चल रहा है। गंभीर मामले में? हाँ। बड़े बाबूजी के बारे में? हाँ यार। उड़ा रहे हो क्या उनको? ओए क्या कह रहा है तो? अबे तू अंदर जाके काम कर यार। काम करूं? अरे काम कर जा। ठीक है साहब, काम कर रहा हूँ। ये क्या कर रहा है? काम कर रहा हूँ। ये कौन सा काम है? ये मेरा पसंदीदा काम है। ऐसा कौन सा पसंदीदा काम है तेरा? सोने का। अबे तेरे को बोला ना अंदर जाके काम कर, तो चाय का कप तो दे दो। अरे चाय का कप दे यार इसको। रसोई इधर आ। हाँ? एक बात बता यार। क्या? ये इतना बड़ा कप कौन सी दुकान में मिलता है? ये? ये स्पेशल ऑर्डर देके बनवाया था। हैं? हाँ, बहुत मेहनत लगी थी, पूरी रात भर में बना था। कैसे बना? सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख देख के बनाया था। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख के बनाया? ओहो बहुत खर्चा आ गया वो। नहीं फ्री में बन गया। कैसे? अरे आप मालिक को नहीं जानते हो, जिसने इस कप को बनाया ना उसको इसी कप में चाय पिला दी, हो गया मेहनताना। बताओ यार, किसी ने रात भर मेहनत करके इतना शानदार कप बनाया, मेहनताना एक कप चाय? अरे बड़े मालिक ने 50 रुपये ले लिए उससे। क्यों? कमरे का रात भर का किराया। वह क्या बाप है तेरा यार। हाँ यार सच में क्या बाप है मेरा यार। ऊपर वाले के पास पूरा फंड ही खत्म हो गया होगा तेरे बाप को बनाने में। तेरा बाप तो ऊपर वाले को भी पकड़ करके आया हो। अब मेरे को लगता है आप दोनों भी पकड़ होने वाले हो। क्यों? क्योंकि मुझे मालिक की बुआ रही है। हाँ क्या बोल रहा है? देखो 4 कदम, ये 3 कदम, ये 2 कदम, ये 1 कदम, और ये दिमाग खराब है तेरा। ऑटो रिक्शा है कि कार है? अबे ऑटो रिक्शा के 50 रुपए दूंगा मैं। बताओ ऑटो रिक्शा के 50 रुपए होते हैं कोई? हैं? हाँ। ऑटो रिक्शा के 50 रुपए मांग लिए मुझसे। सब लूटना चाहते हैं मेरे को, सब दोनों हाथ से लूट रहे हैं बस। ये तो हद्दी हो गई ना। बताओ ऑटो रिक्शा के 50 रुपए कौन देगा? कोई नहीं देगा। ये तो हद्दी हो गई बाबू। सही बात है ना। हाँ लेकिन आप ऑटो रिक्शा से आए क्यों? कौन आया यार, मैं तो पैदल आया हूँ। तो फिर ये ऑटो रिक्शा किराया? मैं खरीदने की बात कर रहा हूँ।
कोई है क्या ग्राहक 10-15 रुपए मिल जाए तो खरीद लेंगे। आप ऑटो रिक्शा खरीदोगे? हाँ, लेकिन किस लिए? तेरे लिए बेटा, काम धाम कुछ है नहीं, नौकरी करता नहीं है, ऑटो रिक्शा चला, कुछ पैसे आएंगे घर में। मैं आपको ऑटो रिक्शा चलाने वाला लगता हूँ क्या? उससे भी गया बीता है तू, दोनों हाथ से बाप को लूट रहा है बस। ऑटो रिक्शा चलाओ, मेरे पैसे चुकाओ। 5 साल से 8 आने दे रहे हो आप मेरे को, तो 2.5 रुपए हो गए ना। 2.5 रुपए का ब्याज कौन देगा? 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से 2.55 रुपए हो गया ला निकाल। मतलब आप अपने बेटे से भी ब्याज लेते हो? मैं अपने आप से भी ब्याज लेता हूँ। और आप कौन है महाशय? ये कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? हैं? कितनी देर से बैठे हैं कुर्सी पर? कितनी देर से बैठे हैं? 15 मिनट से बैठे। 1 पैसा 1 सेकंड का किराया है इसका। कितने हुए? 60 पैसे। लाओ निकालो 60 पैसे। और ये चाय की खुशबू कहाँ से आ रही है? बहुत सारी चाय की खुशबू आ रही है। चाय की खुशबू कहाँ से आई? किसने पी है चाय? चाय किसने पी? किसने? क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं मालिक। दिखा दिखा के मालिक, कुछ नहीं है। दिखा दिखा, दूसरा हाथ दिखा। देखो कुछ नहीं है। दोनों दिखा मालिक। चाय का कप है? चाय, इसने चाय, इसने चाय, कॉफी, वो कॉफी बाबूजी के सर पे थी। पता है चीनी क्या भाव है? चीनी मालिक, चीनी नहीं है। चाय फीकी थी। अरे फीकी चाय, लेकिन चाय दूध दूध कितना महंगा है मालिक। अरे मालिक, अरे मालिक दूध भी नहीं डाला। बाबूजी चाय काली, चाय की पत्ती बड़ी महंगी है भैया। चाय की पत्ती मालिक, मालिक की पत्ती मालिक। मैंने कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी डाला, खाली पानी गर्म करके दे दिया था। हाँ, पानी गर्म करके दिया था। तो पानी का बिल कौन देगा? अरे मालिक, घर का पानी थोड़ी था, बाहर नाले का पानी था। फिजूल करके मुझे जरा भी पसंद नहीं है। अब हमारे घर में 3 दिन तक चाय नहीं बनेगी बस। फिर बाबूजी हम चाय कैसे पियेंगे? कुर्सी से खड़ा हो। चाय कैसे पियेंगे हम? चाय कैसे पियेंगे बाबूजी? जेल आएगा ये मैं। हाँ, 3 दिन तक अपने घर से चाय बना के लाइयो और कड़क बनाइयो। हाँ ठीक है। 5 कप बनाइयो। हाँ ठीक है। तू मत कड़क चाय कर गई हो। तो प्यारे तू नौकरी ढूंढ ले, वरना आइंदा से साल भर का खर्चा भी नहीं दूंगा। ठीक है, मत देना। मत देना। रसोई, रसोई। जी मालिक। चाय तू नहीं बनाई थी ना बेटा? हाँ मालिक। इस जुर्म में आज से 1 महीने तक तेरी चप्पल मैं पहनूंगा, समझ गया? निकाल देना चप्पल। ठीक है। तो नहाने जा रहा हूँ मैं। अच्छा मालिक। चाय पियेंगे, आए हैं भाई चाय। सर में दर्द था इनकी। अंकल क्या है, बाहर का जा रहे हो? अभी बताया ना बेटा, नहाने जा रहा हूँ। अच्छा, तो बेकार में क्यों बुलवाता है? नहीं नहीं, वो गुसलखाना अंदर है ना, बाथरूम। तो गुसलखाना तो अंदर ही होता है। नहीं मतलब अब गुसलखाने में नहाऊं ना? नहीं नहीं, मैं अपने गुसलखाने में नहीं नहाता। क्यों? खराब हो जाता है। बाहर नहाता हूँ नलकूप पर, हैंड पंप। तू भी वही नहाया कर। हाँ ठीक है। सुबह आ जाना 5 बजे नहाने। हाँ ठीक है। और आए जब चाय भी लिया। हाँ ठीक है। एक पंथ दो का। हाँ ठीक है, समझ गया ना। हाँ, मैं जा रहा हूँ। प्यारे पंखा चला यार। खबरदार, क्या पंखा चला? बिजली का बिल तू देगा? पंखा चला, वो रखा है पंखा नीचे, उठा उसको, हिला मत, मुंडी हिला। आ गई हवा? आ गई। तो रख दे, फिर खराब हो जाएगा यार। और प्यारे ये तो मेरा ससुर है यार। अरे ऐसा नहीं हो सकता यार। अरे हाँ यार, वही चाल वही ढाल, कंजूसी का महादेवता। प्यारे सर, तेरे बाप का कोई जुड़वा भाई है क्या? नहीं तो। यही मेरा ससुर है यार, यही मेरा ससुर है यार। अरे तो तू रो क्यों रहा है? अरे यार आज मेरी मौत निश्चित है। क्यों? अरे मेरी जो प्रेमिका है ना, उससे मैंने वादा किया था। अच्छा। कि उसके पिताजी से शादी की बात करूं। अच्छा। आज ही करूं, वरना वो मुझे जान से मार डालेगी यार। है? अरे ये क्या प्रेमिका हुई, मरना है तो खुद मर जाके, दूसरे को क्यों मारता है? पर मैं तो भग गया ना यार। क्यों? अरे अगर शादी की बात नहीं करूंगा तो मेरी प्रेमिका मुझे मार डालेगी, और इससे शादी की बात करूंगा तो ये मुझे मार डालेगा। अरे सुन, जरूरी थोड़ी ना हो कि यही तेरे ससुर है। अरे हाँ यार, है ना। पर प्यारे एक बात बता। हाँ। तेरी कोई बहन है क्या? है ना। यही मेरा ससुर है यार, यही मेरा ससुर है यार। अरे सुन, जरूरी थोड़ी है कि मेरी बहन ही तेरी प्रेमिका हो। अरे हाँ यार, है ना। हाँ ये तो सही है। प्यारे एक बात बता। हाँ। तेरी बहन सुंदर है क्या? बहुत सुंदर है यार। यही मेरा ससुर है यार, यही मेरा ससुर है यार। तो सुंदर तो बहुत सी लड़कियां होती हैं। हाँ यार, है ना। अरे हाँ यार, प्यारे ये मैंने नहीं सोचा। हाँ तू भी यार। प्यारे एक बात बता। हाँ। तेरी बहन लिपस्टिक लगाती है क्या? लगाती है ना। काजल भी लगाती होगी? हाँ लगाती है। ये मटक मटक के थोड़ी चलती है? और खूब मटक मटक के चलती है। यही मेरा ससुर है यार, यही मेरा ससुर है। अरे तो तू रो क्यों रहा है? अरे वो मेरा ससुर है यार। अरे तू क्यों रो रहा है? यही मेरा ससुर है। क्या शोर मचा रखा है घर में? अरे वो मेरा ससुर है। कौन, किसकी बात कर रही है?
अरे तेरे तो है ही, लेकिन ये कह रहा है कि वो इसके भी ससुर है। ये कैसे हो सकता है? तो मेरे को क्या मार रही है? मैं इसको इतनी देर से समझा रहा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, समझता ही नहीं बात को। ओहो, आपने क्यों चद्दर ओढ़ ली? अरे ओए, तूने चद्दर क्यों ओढ़ ली? वो तो मेरी ननद है। वो तो मेरी बहन है। और वो मेरा ससुर।